तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक साइकिल बनाकर दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में तीन मोटर को चेक करके दिखाया था कि इन वाली मोटर को आप इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं, उसी मोटर का यूज करके मैंने आज एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है। उसे बनाने का मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत देखने मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक साइकिल को किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक साइकिल को बनाने के लिए मैं 12 वोल्ट की एक मोटर यूज कर रहा हूँ। इस मोटर का गियर मैंने पिछली वीडियो में बना के दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये मोटर 12 वोल्ट से वर्क करती है, ये आपको मार्केट में 400 रुपये की आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दो पत्ती वेल्डिंग कर ली है जो साइकिल का फ्रेम है उसके साथ, और उसके बाद मैं यहाँ पर दो स्क्रू की मदद से इसे सेट करूँगा यहाँ पर। तो चलिए मैं इसे सेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको दो पत्ती लेनी है, उसे आपको वेल्डिंग यहाँ पे कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसके दोनों बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ ताकि जो मोटर वो यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट हो सके। इसकी जो चेन है वो यहाँ पे इसके गियर के ऊपर बिल्कुल फिक्स आ रही है, तो आपको इसे बिल्कुल नाप के तभी इसे सेट करना है। तो मैं यहाँ पर प्लायर की मदद से दोनों बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो मोटर है वो अच्छी तरीके से टाइट हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसका कनेक्शन कर लेना है। इसका कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, तो आपको दो मोटर वाले वायर यूज करने, जो लाइट फिटिंग के वायर होते हैं वो आपको ले लेने हैं, वरना जो वायर हैं वो जल जाएंगे अगर आप पतले वाले वायर यूज करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर मैं लाइट फिटिंग के वायर यूज कर रहा हूँ, तो आपको पॉजिटिव पे पॉजिटिव जोड़ देना है, नेगेटिव पे नेगेटिव। वैसे आपको मोटर का डायरेक्शन देख के कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर वायर को मैं ऊपर की साइड में सेट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्विच यूज करूँगा और स्विच को मैं हैंडल की साइड में ले जाऊंगा जहाँ से मैं इसे इजीली ऑन ऑफ कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे स्विच को कनेक्ट कर लिया है। इसके किसी भी वायर को कट करके आपको बैटरी के दोनों वायर यहाँ पे जोड़ देने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके दोनों वायर ऊपर की साइड में ले लिए हैं और ऊपर की साइड मैंने यहाँ पे जो बैटरी 12 वोल्ट की ये मैंने लगा ली है। इसे ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कहाँ पर मिल जाएगी मार्केट में सेकेंड हैंड, तो उसके मैंने कनेक्शन कर लिए हैं यहाँ पर डायरेक्शन देख के। और जो स्विच है उसे मैंने हैंडल के पास में सेट कर लिया है, तो यहाँ से मैं इसे ईजिली ऑन ऑफ कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ जो मोटर है वो यहाँ स्टार्ट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मोटर है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक साइकिल है वो बनकर कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो देख लिया है, चलिए आप फाइनली इसे चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसे यूज करने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक साइकिल है वो इस मोटर से डायरेक्ट नहीं चल सकती, पहले आपको इसे चलाना पड़ेगा, उसके बाद में जो स्विच है वो आपको ऑन करना पड़ेगा। और फिर भी इससे सिर्फ सपोर्ट का काम करेगी, ऐसा नहीं कि उसके बाद में आपको इसे छोड़ देना है उसके बाद में जो मोटर है वो चला लेगी, ऐसा नहीं होगा। बस इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसे सपोर्ट मिलेगी और उसके बाद में जो साइकिल है वो थोड़ी सी यहाँ पे नरम चलने लगेगी। तो चलिए मैं आपको इसे यूज करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा पैडल मारूंगा, उसके बाद में इसे स्टार्ट कर दूंगा, चलिए देखते हैं। तो गाइस अभी थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद में मैं स्विच को यहाँ पे प्रेस करके ऑन कर दूंगा। चलिए इसे अब ऑन कर लेते हैं। तो अभी मैंने स्विच को ऑन कर दिया है और जो हमारी मोटर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी तो इससे कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, उसके बाद में देखते हैं। तो गाइस अभी थोड़ा सा फ़र्क तो महसूस होने लगा है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा अभी कि यहाँ पे जो मोटर है वो चला रही है। चलिए मैं थोड़ा सा पैडल मारने के बाद छोड़ देता हूँ इसे। अभी मैंने बिल्कुल पैडल मारना बंद कर दिया है। चलिए इसे वापस से ले चलते हैं, यहाँ पर मौसम है वो ख़राब हो रहा है, बिल्कुल बारिश का मौसम है, तो अभी इसे वापस से ले चलते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको इसे टेस्ट करके दिखाया था, इसे चलाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर जो साइकिल है वो इससे बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। थोड़ा सा सपोर्ट जरूर महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर जो मोटर है उस साइकिल को चला रहा है यहाँ पर। तो आने वाले टाइम पर मैं इसके साथ एक गियर बॉक्स यूज करके इसे डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करूंगा और जो चक्का है उसे हम बिल्कुल भी हटा देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जो इलेक्ट्रिक साइकिल है वो किस तरीके से वर्क करती है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन देखने मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।